आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्रेजी एक्सरसाइज के बारे में। तो थंबनेल पर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले उनकी एक क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। भाई साहब, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों की जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ भी बढ़ रही है। हालांकि पेट्रोल और डीजल यानी कि फ्यूल की जो कीमत है वो इतनी सस्ती तो कभी नहीं थी। गाड़ी चलाना भाई हमेशा से थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर से रहा है। क्या भैया, आप अगर ऐसी बातें करोगे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और गाड़ी चलाना पहले से महंगा था सभी के लिए, तो फिर कैसे शोभा देगा? मतलब आप इतना लाखों कमाते हो और फिर आप बोलोगे तो ना ना ना, हम लोग बोलेंगे तो चलेगा। लेकिन गाइस सोचो आपका क्या रिएक्शन होगा अगर आप पेट्रोल पंप पर जाओ और आपको पता लगे कि पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल सस्ता हो गया है। कितना सस्ता? इतना सस्ता हो गया है कि फ्री हो गया। मैं नहीं मानता। आपको कोई पैसा नहीं देना, फ्री में पेट्रोल फ्री में डीजल अगर आपको मिले, सोचो गाइस आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा ये रिएक्शन होगा कि मैं अपने घर की सारी गाड़ियां लेकर आ जाऊंगी, इसके बाद अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल करके बोलूंगी जल्दी जल्दी गाड़ी लेकर आओ और सब फुल टंकी करवाओ, और फिर दो चार गैलन भी लेकर आऊंगी और फिर कहूंगी इसको भी भरो भैया, मैं तुम्हारी सब्सक्राइबर हूँ तो भरना तो पड़ेगा। आज हम लोगों के इसी सपने को सच करने वाले और एक्चुअली में फ्री में डीजल और फ्री में पेट्रोल देने वाले हैं। तो इस फायदे वाली बात में हम लोग भी शामिल है, मतलब आपके सब्सक्राइबर भी शामिल है, या फिर सिर्फ आप ये फायदा अपने गाँव वाले को ही देने वाले हो, ये भी बताना हमें। 119 रुपए पर लीटर, लेकिन आज हमारे पेट्रोल का जो रेट है वो होने वाला है 0। लेकिन आप साथ में ये भी बताओ कि आखिर आपका बजट कितना है। मतलब अगर आप फ्री में देना चाहोगे तो एक तो बजट तो होगा ना आपका, एक लिमिटेड बजट होगा। वरना अगर आप सोचोगे कि मैं पूरी के पूरे शहर को बांट दूँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो अपना पेट्रोल पंप फ्री कर देता ना, कि मतलब लोगों सभी लोग भरवा लो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, कुछ तो एक बजट होगा ना आपका। फ्री पेट्रोल पंप चालू हो चुका है, बैनर्स लग चुके हैं, हम लोग तैयार हैं फ्री में पेट्रोल और डीजल डालने के लिए, लेकिन कोई कस्टमर हमारे पास में बिल्कुल नहीं आ रहा है। पर बता, अभी एक बाइक थी उसमें 3 लोग थे, वो चले गए, वो वहाँ पे चले गए, उनको विश्वास ही नहीं हुआ, वो सोच रहे पागल बना रहे हैं, उन्होंने डलवाया ही नहीं। चलो कम से कम एक बंदे को तो आप पर भरोसा हुआ, वरना सभी लोगों को कैमरा देखकर ये लग रहा होगा कि प्रैंक चल रहा है। कर दो आपकी, हम आपकी टंकी फुल कर रहे हैं, ठीक है, और आपको बना है 1048 रुपए। अब जाओ भाई साहब, थैंक यू सो मच। इतनी खुशी है मुझे आज तक। क्यों भैया, तुम्हें आज तक 1000 रुपए कभी फ्री में नहीं मिले? मतलब 1000 रुपए तक की कोई ऐसी चीज भी फ्री में नहीं मिली जो सिर्फ पेट्रोल, यानी वो भी 1000 रुपए की पेट्रोल लेकर इतने खुश हुए जा रहे हो? भाई साहब, अरे भाई साहब यार देखो, इतना बड़ा को ना आपसे छोटे हैं जी, सब्सक्राइबर हैं तो क्या हुआ? देखो ये हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो इनके लिए जो है, वैसे तो गाइस सभी के लिए फ्री है, लेकिन आपकी जो टंकी है वो हम फुल करेंगे। जो सब्सक्राइबर नहीं है उसकी भी टंकी आप फुल कर रहे हो, तो उस हिसाब से ये तो आपका सब्सक्राइबर भी है और इसने आपके पैर भी छुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसके टंकी को भी फुल करना चाहिए और इसको 100 लीटर का गैलन भी फुल करके देना चाहिए था साथ में। हमको कुछ कस्टमर्स और मिल गए जो कि फ्री में पेट्रोल भरवाने को तैयार थे। अपनी पूरी कोशिश करी लोगों की टंकी फ्री में फुल करने की, लेकिन उसके बाद में वो हुआ जो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि हमको लोगों की टंकी में फुल ना करके 200 रुपए का पेट्रोल तक ही रोकना पड़ा। क्या भैया, फुल टंकी से डायरेक्ट 200 पर आ गए? अरे 500 पर तो आते। ये भाई फोन करके बुलाएं वो तो लोग बुलाएंगे ही, और मैं होती तो गैलन लेकर आ जाती, या फिर हो सकता है बोलती कि ट्रक लेकर आ जाओ। यहाँ पर अगर कोई डांस कर सकता है 10 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए, तो उसके में उसकी टंकी फुल करेंगे भाई साहब। वाह, पहले ऐसी फुल टंकी और अब नाचना पड़ेगा या फिर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, सही है? और गाइस कुछ लोगों ने दिमाग लगाते हुए एक बार 200 का पेट्रोल डलवाने के बाद में बाइक वापस से घुमा ली और वापस से पेट्रोल पंप की लाइन में लगा दी ताकि वो 200 का पेट्रोल फिर से डलवा सके। वैसे अब आप इन लोगों के साथ स्कैम कर रहे हो, इसलिए इन लोगों ने भी सोचा कि हम भी क्रेजी एक्सरसाइज के साथ स्कैम करें और फिर एक बार पेट्रोल लेने के बाद दोबारा चले जाएं और फिर दोबारा पेट्रोल ले लें। और अगर आप देने बैठोगे ना तो ये पूरी जिंदगी देते रह जाओगे, तो भी भीड़ खत्म नहीं होगी कभी नहीं, दुनिया भर के दूसरे लोग भी आ जाएंगे। फ्री नहीं मिल रहा है, पैसे भी मिल रहा है एक्चुअली में, तो वहां पर कोई भी नहीं जा रहा है। कोई पागल तो है नहीं जो फ्री में पेट्रोल छोड़कर और फिर पैसे देकर पेट्रोल भरवाएगा क्या? अभी हम लोगों से एक्चुअली में जो भीड़ थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अभी हम नहीं चाहते कि अब यहाँ पर कोई गलत एक्टिविटी, कोई अलग घटना हो जाए, कोई बिना बात की यहाँ पर नई परेशानी प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो जाए, तो इसलिए हमने अब फिलहाल उसको बंद कर दिया, हमने हमारे बैनर हटा दिए। ये बात तो आपने सही कही कि ज़्यादा भीड़ से किसी भी तरह की घटना हो सकती है, लेकिन ये तो मुझे पहले से पता था कि एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है और फिर हर चीज़ का एक बजट होता है, तो रोकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जो आप लोगों को गलत लगे। तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।